खबर से हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति। बात करते हैं रेस्क्यू के लिए बनाए जा रहे एक एयरशिप की। बेंगलुरु शहर में स्थित एक एविएशन फर्म एक ऐसा एयरशिप बनाने जा रही है जिसे खोज, राहत, बचाव और सर्विलांस के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है। हीलियम से चलने वाला यह एयरशिप 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसमें एक बार में 8 से 10 यात्री सफर कर सकते हैं। ये दिखने में जैपलिन एयरशिप की तरह होगा। इस एयरशिप को बनाने वाली कंपनी बेलमार एविएशन के डायरेक्टर कैप्टन अश्विन बेलमार का कहना है, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की तुलना में एयरशिप पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और सस्ते भी है। एयरशिप के टेक ऑफ और लैंड करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी ने दावा किया है कि भारत में इस तरह का एयरशिप पहली बार बनाया जा रहा है। इसका डिजाइन पूरा किया जा चुका है और संबंधित नियामक अधिकारियों से इसके प्रायोगिक निर्माण के लिए सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन कर दिया गया है। बेलमार एविएशन के दूसरे डायरेक्टर मधुसूदन ने बताया कि इस एयरशिप को डेक्रॉन के कपड़े से बनाया जाएगा। ये सोलर और इलेक्ट्रिक बैटरी से चलेगा। मधुसूदन कहते हैं, एयरशिप का इस्तेमाल छोटे शहरों और गांवों को जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर भी हो सकता है क्योंकि इसे लैंड करने के लिए बड़ी सी जगह की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एयरशिप को तैरने वाले होटल में भी तब्दील किया जा सकता है। मधुसूदन ने बताया कि इस एयरशिप को बनाने में तकरीबन 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच खर्च आएगा।